हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक के बहुत ही टेस्टी से पकोड़े और बहुत सिंपल से हैं, झटपट से बन जाते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 1/4 कटोरी के करीब बेसन लिया है और इसमें अब हम ये कूटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, धनिया पाउडर, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मैं गरम मसाला ले रही हूँ, देगी मिर्च, लाल मिर्च, बहुत थोड़ा सा ही मैंने ये काली मिर्च पाउडर लिया है। और अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी। पालक साल्टी होता है इसलिए हम इसमें नमक थोड़ा सा ही ऐड करेंगे और इसके साथ साथ ये आधे नींबू का रस है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा मैं जीरा ले रही हूँ। इसके साथ साथ हम अजवाइन इसमें ऐड करेंगे, तो अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे। इसका जो अरोमा है वो भी बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी। तो बस अब हम इस बैटर को पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसे घोलेंगे। तो पहले मैं इसके जो बेसन के लम्स हैं वो ख़त्म कर दूँ। अगर आप गार्लिक पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बेसन को घोल लेंगे। तो हम एक बार में सारा पानी नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा जो है पानी डालेंगे और इसे घोलते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये जो हमने बैटर तैयार किया है वो अच्छे से हमने इसको बना लिया है और हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए थी। तो यहाँ मैंने पालक के पत्ते लिए हैं और जिन्हें मैंने इस तरह से तोड़ के अच्छे से मतलब धो लिए हैं ताकि इसमें से सारे डस्ट जो है निकल जाए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ मैं ये रख रही हूँ पत्ता और इस तरह से हमें इसे जो है अच्छे से, आप हाथ से भी लगा सकते हैं, इस तरह से बेसन लगाना है और इसे जो है इस तरह से रोल करते चले जाना है। ये इस तरह से रोल हो जाएगा और उसके बाद हमें इस तरह से इसे डिप कर देना है थोड़ा सा ताकि इसके ऊपर भी बेसन लग जाए। तो यहाँ मैं आपको आज दो तरह से सिखाऊंगी जो पालक के पकोड़े हैं और इस तरह से अभी हम इन्हें रखते चले जाएंगे और इसी तरह से हम अपने सारे जो हैं ये रोल्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे।
देखिए दोस्तों, हमने कुछ अपने इस तरह से रोल जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताऊंगी, उसके लिए हमने ये सेम बैटर जो है वो लेना है और इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देना है, यानी कि हमें जो है इसका थोड़ा पतला घोल तैयार करना है। तो ये बहुत इजी मेथड है और जल्दी भी बन जाता है। आप देख सकते हैं हमें इतना ही पतला जो है इसका बैटर चाहिए। अभी मैंने सिर्फ इसमें पानी ऐड किया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी, क्योंकि पहले हमने जो नमक डाला था वो गाढ़े पेस्ट के हिसाब से डाला था, और यहाँ पर आप चाहें तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर अभी कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। जितनी मिर्चें मैंने पहले डाली थी वो सफिशेंट है हमारे लिए। तो ये देखिए इस तरह से इसका घोल तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम ये जो हमारे पालक के पत्ते हैं इसे जो है डिप करेंगे इसमें। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पे तेल जो है वो रख दिया है गर्म होने के लिए। तो आप देख सकते हैं तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो बैटर है ये लेंगे और इसमें इस तरह से हम ये पत्ते जो हैं डुबोएंगे और इस तरह से इसको इसमें फ्राई होने डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और बस इस तरह से इसे डालते रहेंगे। और पत्तों को डालते ही हम इसे टच नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इसे सेट हो जाने देंगे। तो अब ये हम दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से ये हो गए हैं। हमें इसमें जो है बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर हम बेसन ज़्यादा लगा देंगे तो ये पकोड़े बिल्कुल भी क्रिस्प नहीं हो पाएंगे। बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, और बनते भी बहुत जल्दी हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी और इसी तरह से हम बाकी के पकोड़े भी बना लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, ये वाले जो पकोड़े हैं हमारे पालक के, वो बिल्कुल सिक के रेडी हैं। और अब हम अपने दूसरे वाले जो पकोड़े हैं वो बनाएंगे। गैस की फ्लेम को मैं धीमी कर दूंगी। और जो ये हमने पतोड़े ये जो रोल्स बनाए थे सॉरी, वो इसको हम एक एक करके इसमें इस तरह से डालते चले जाएंगे। और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल धीमे रखेंगे, क्योंकि ये रोल्स हैं और बेसन इसके अंदर है, तो इसका अंदर तक पकना बहुत ज़रूरी है। आप इसे पहले स्टीम भी कर सकते हैं और उसके बाद इसे फ्राई करके खा सकते हैं। अब हम इस तरह से इनको फ्लिप कर देंगे और बिल्कुल धीमी आंच में उलटते पुलटते इनको फ्राई करेंगे, ताकि जो बेसन है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। हम इसे गोल्डन होने तक, क्रिस्प होने तक जो है पकाना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पालक के रोल्स हैं वो बिल्कुल रेडी है। और कुछ सेकंड के लिए बस मैं इसे और क्रिस्प करूंगी। तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी और इनकी प्लेटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारे पालक के रोल्स और पालक के पतोड़े। तो आपको मैं दिखा देती हूँ ये कितना क्रिस्प है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है ये। सिंपल, बहुत इजी बनने वाला, जल्दी बनने वाला है। तो सर्दियों की शाम को अगर आप इसे बनाएंगे और इसे एंजॉय करेंगे तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।